सत्त बज के 41 ते बैठा सी। हां जी पहला फ्यूचर जिंदा सब तो मगरों बैठी छतां तो पहला पंजवां नाम ही है। लो जी आप तस्वीर खिंच के ला दो सारी। दूसरा ना एक एक कबूतर का रिजल्ट बोल दो ना। एक एक कबूतर प्यारे का, एक एक कबूतर का जी प्यारे का पहला नाम जी लाला यूसुफ 194 घंटे 23 मिनट। दूसरा नाम सफदर लालू भमन 187 घंटे 23 मिनट। तीसरा नाम इतजाज खां 187 घंटे 15 मिनट। चौथा नाम अमजद बट्टू 184 घंटे 41 मिनट। पंजवा नाम अमानू का पिखी 184 घंटे 7 मिनट। विनर कबूतर इमरान बट्टू का 7:43 ते पहले ना पहला विनर कबूतर अमानुल्ला दा 1:24। ठीक हो जितन वाले मुबारकबाद दे रहे हो। जितन वाले साडे नाल जी बहुत ही मुबारक जी। ते ओ जेड़ा साडा 28 मई दा टूर्नामेंट ओदा तो थोड़ा दस। 28 मई दा टूर्नामेंट साडा 7 टूर्नामेंट ने एक 10,000 एंट्री वाला, एक 20,000 रुपए एंट्री वाला। उंदे जेड़े दोस्त एक जेड़ा 20,000 एंट्री दा उंदे ननकाना शेउपरा खानगा डोगरा मरीद के माना वाला ये वो जी छात्र लांचा रल सकती है। एक उस्ताद मीती डा आ रहा टूरनामेंट ये भी दूसरा ननकाने दी छत रलना चाहते भी रल सकती ने। ठीक है इन्होंने भी 4 दिन का टूरनामेंट साढ़ा भी 4 दिन का टूरनामेंट। उस्ताद जी थोड़ी कितनी एंट्री है? 10,000 रुपये एंट्री है। ये जी दोस्तों जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खिंच के सारे व्हाट्सएप पे लाओ। ये जी आज का रिजल्ट माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। बहुत ही दोस्तों आज का रिजल्ट जो है माशाल्लाह बहुत ही दोस्तों आज आला रिजल्ट रहा है। 11 कबूतरों का टूर्नामेंट था, आज 21 कबूतर टूर्नामेंट था और 7 कबूतरों का भी टूर्नामेंट था। माशाल्लाह बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई है इन लोगों ने। हेलो यार उत्ते सच में। हां जी शुक्र अल्लाह का। और माशाल्लाह जी दोस्तों कप दी सूरत हाल है। साजद दा पहला नाम आया जी साडा 194 घंटे 23 मिनट। दूसरा नाम आया जी सफदर लालू फमणा दा 187 घंटे 23 मिनट। तीसरा नाम आया इतजाज खान दा 187 घंटे 15 मिनट। चौथा अमजद बट्टू का 184 घंटे 41 मिनट। पंजवा नाम आया ये अमान उल्ला छत्तो पिखियों रली 184 घंटे 7 मिनट। बिन 184 घंटे तो उत्ते नाम ने आते विनर कबूतर 1:47 दे वे पहले ना पहला विनर जरा 1:24 दे बैठा अमान उल्ला दा। अमान उल्ला पिखियों 1:24 दे पहले ना बैठा ना। मुबारक मुबारक है चौथे अमजद बट्टू ते विनर मरान बट्टू दा। ठीक हो गया। एक एक कबूतर दा प्यारा सिंह तुहानू मुबारक हो गई है। चलो अच्छा मलिक साहब
ये 200 पेपर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आज दिखाई है दोस्तों ने, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड को आज कबूतर बैठे माशाल्लाह। गर्मी भी आज काफ़ी ज़्यादा थी, माशाल्लाह जी आज पहली पोजीशन हासिल की है जी लाला यूसुफ गोदाम वाले जिस छत पे जी मौजूद हैं। पहला नाम जी साडा आ गया और माशाल्लाह 200 बहुत ही आज शानदार रिजल्ट रहा है। 21 कबूतरों का प्यारा था, तीसरा ताडा पठे तो खारे वाले, चौथा नाम आ गया अमजे बट्टू का, पंजवा नाम अमानुल्लाह पिखी हूं। इधर कर लश बाद ये सारे 184 घंटे उत्ते वाले संभल ये छत है दोस्तों जिस छत पे आज माशाल्लाह चैंपियन 194 घंटे में आए जी, 194 घंटे हैं जी। 21 कबूतरों के प्यारे में 7 कबूतरों का भी प्यारा जो है वो भी आज विन किया है। अच्छा शबाज भाई माशाल्लाह मेहनत बहुत अच्छी हुई है, आज पहला कबूतर किन्ने में बैठा है? अच्छा थोड़ा उची हुए तो बाद कबूतर बैठे ने ना, वो काफी अच्छे कबूतर बैठे हैं, 7:20 के आखिर कबूतर लाला यूसुफ बहुत अच्छे आदमी ने, उन्होंने वजह तो फिर सारे रल मिल के शौक किया, अल्लाह तला ने सू मेहनत का सिला दिता, तो उस्तादा की दुआ उस्तादा व्डिया उस्तादा की दुआई न अज असी इन काने दी भी छत्त शामिल सन साढ़े दुआई। अच्छा शिवाज भाई माशाल्लाह जो 7 कबूतरों का टूरनामेंट जितया अज का, हाँ जी ये किन्ने घंटे अज के बने ने? अज मिंडा स्किंटा दी गेम दा फर्क पिया है, हाँ जी माशाल्लाह जेडे टॉप दी छत्तां ने। ये दोस्तों मैं आपको एक मरतबा फिर जो आज के 21 कबूतरों का रिजल्ट है उसका मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। मुबारक हो जी, 194 पे पहला है, 187 पे दूसरा है, फिर 187 पे तीसरा है, 184 पे चौथा और 184 पे पांचवा है। इसके बाद दोस्तों एक और थी छत लेकिन वो नामों में नहीं आई। इसके बाद जी जो विनर कबूतर है इमरान भट्टू साहब का 7:41 पे बैठा है, और अमानुल्लाह साहब हैं जी बिखी से, इनका जी पहले से पहला कबूतर बैठा है। बहुत ही अच्छा अच्छी दोस्तों आज की परफॉर्मेंस रही है और माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब आज का जो टेम्परेचर था काफ़ी था जी, बिल्कुल आज टेम्परेचर भी काफ़ी था, और
फजा भी साफ थी और कबूतरों की परफॉर्मेंस जो देखने में आई माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, चैंपियन नाम जो है वो तो आसान है कहना, मगर चैंपियन बनते बनते इंसान का तेल निकल जाता है, बड़े बड़ों का तेल निकल जाता है। और चैंपियन बनने की खुशी में जब जो जिसका तेल निकला होता है जनाब, वो वापस आता था, वो शिवाज मित्रा साहब भी जानते हैं, और आप भी जानते हैं जीतने के टाइटल की खुशी किस हद तक होती है इंसान को माशाल्लाह। इस छत में जब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, दूसरा लाला यूसुफ गोदामा वाले चैंपियन बने हैं आज, और शौक भी करवाना है इनका, इनकी छत का भी शौक भी करवाते हैं आपको। अच्छा मलिक साहब, वो आपके मोबाइल में मैंने तस्वीर बनाई थी सेंचुरी वाली, सेंचुरियों वाले 11 कबूतरों का रिजल्ट था, वो भी जरा नोट फरमा ले दोस्तों। ओ ये टोटल लान डाण मैं किया फोन उन्होंने, टोटल लान डाण कर दस ने, मैं दसो फिर टोटल लान फड़ो। मैं लाले ने फोन पढ़ाया जो 11 दोस्तों अभी जो अनाउंस करने जा रही है, जो आज का टूर्नामेंट था 11 कबूतरों का जी दोस्तों, ये 11 कबूतर थे, बार बार बंदे पूछना, मैं टूर्नामेंट था आज, तकरीबन काफी टूर्नामेंट जुड़े हुए थे, इनमें से जो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, जिन छतों ने सेंचुरी बनाई है पहले नंबर पे सरफरिश्त है, पहली पोजीशन आने हैं सरफरिश्त है जी, अमजद वटू साहब 119 घंटे 32 मिनट 11 कबूतरों के साथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बिलियन परफॉर्मेंस उनकी। और दूसरे नंबर पे हैं महर सफदर 106 घंटे 26 मिनट, वालेकुम सलाम। और तीसरे नंबर पर एतजाज खान है 11 ना 12 भट्टा खारे वाला थे 104 घंटे 49 मिनट, और चौथे नंबर पे इमरान भट्टू साहब है 104 घंटे 27 मिनट। ये 11 कबूतरों वाली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 19 वाली नहीं, और विनर कबूतर इमरान भट्टू साहब का इसमें 7:41 मिनट पे बैठा है, और पहले से पहला विनर कबूतर जो है मेहर सफदर साहब का है 2:00 बैठा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे के। ये था दोस्तों हेलो 11 कबूतरों की परफॉर्मेंस का जो आपने रिजल्ट बताया। अच्छा मलिक जी, वैसे एक बात है कि आजकल सेंचुरियों का जो निजाम है शेखुपुरा में, पता ये बड़ा सामने आया है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शेखपुरा की मलिक साहब, शेखपुरा की जो परफॉर्मेंस जा रही है माशाल्लाह, दिन ब दिन निखरती जा रही है कबूतर पर। मैं पूछा था कबूतर टोटल लांड है, एक कॉलेज खुल जाता है ना, और स्टूडेंट अच्छे अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही शेखपुरा में अब कबूतरबाज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इनकी परफॉर्मेंस देखे भी चलो ठीक मजा आता है, क्योंकि कवरेज करने जाते हैं तो जब घंटे सुनते हैं माशाल्लाह मजा आ जाता है सुन के जी। अच्छा मलिक साहब, ऊपर चलते हैं, उसकी जरा तस्वीर बनाएं जरा, पेपर की, किस पेपर की? आओ शिवाज मित्तल साहब भाई आओ, बोला होते अच्छा 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 बुला जी। दोस्तों अभी हम छत के ऊपर जाने लगे, आज 194 घंटे माशाल्लाह बनाए हैं, 7 कबूतरों में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 11 कबूतरों का टूर्नामेंट था उसमें भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी दोस्तों हम छत पे जा रहे हैं। दोस्तों देखने वाला व्यू है और बहुत ही अच्छी खूबसूरत छत है आज दोस्तों माशाल्लाह। आसफ लाना साहब हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन दूसरे दोस्तों की अच्छी थी तो उनके माशाल्लाह बने आज 100, मेरा ख्याल 75 घंटे बने हैं। नहीं लाला जी लो जी दोस्तों, 2 मील का सफर तय करके हम ऊपर आ गए। ये दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, थोड़ा सा मैं पहले आपको दूर से इस छत का व्यू दिखाता हूं। जी मैनेजर साहब क्या हाल है? ये जी सफियान मैनेजर साहब हैं, इनसे भी बात करवाता हूं। ये जी दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, अगर ये आपको यहाँ से दिखाऊं, ये शहर है, ये दोस्तों आज की चैंपियन छत का जी हम आपको शौक करवा रहे हैं, अभी इंशाल्लाह नीचे जाके अभी मैं कबूतरों का जो 21 कबूतर है उनका शौक करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि चैंपियन कबूतर होते कैसे हैं। ये
ये दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा वीडियो को शेयर करते चलें। ये जी दोस्तों हम मौजूद हैं जी लाला यूसुफ गोदाम वाले, उस्ताद कमर शाह साहब, उस्ताद कमर शाह साहब और शुभम मित्रा साहब हैं, शबीर भट्टी शबीर साहब हैं। जी शबाज भाई इधर इधर सामने आ जाए। आ जाओ तुम अरफान भाई, आ जाओ। की नाम तुम्हारा खान साहब? हाँ जी लाला यूसुफ नहीं है? अच्छा तरावियां पढ़न गए। चलो अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब च चले। अच्छा जी शबाज मित्तला साहब, माशाल्लाह आज की परफॉर्मेंस देख के बहुत ही मज़ा आया। आज अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं? अरे जी बड़े खुश हुए, अल्लाह ताला ने सानू इज्जत दी है तो उस्तादा दियाँ दुआई नाल माशाल्लाह काफ़ी चंगी चंगी छत जिन्होंने असं पहले नंबर से आए जी चैंपियन बने जी जेट से इक्की कबूतर जिंद ननकाने दत्त शामिल सन साढ़े शेखपुरे दी टॉप द छत आपको तकरीबन 12 तो इस तरफ चेहरा करे पीछे से वो लाइट आती है ना 12 तो एक टाइम सी उस काफी मौसम खराब है जी वजह तो कबूतर सन चंगी परवादा सन सारे शाम शाम दजह के पिछ कबूतर जो सन सत्त अठ कबूतर जा कलक आए ने नीचे तो बैठे उस तो बाद जो 10-12 कबूतर सन तीन चार तो फिर पार ही 7 बजे से 7:15 बजे तक 7:20 तक बैठे ने जहाँ सावरेज जी सैट हो गई। अब कैमरा ठीक हो गया। अच्छा अच्छा शबाज भाई कब से फिरते शुरू किए हैं बड़ों के? हाँ जी बड़ों के फिरते कब से शुरू किए हैं? ये पिछले महीने की पहली तारीख तो ना शुरू की हैं, तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। सही 1.5 महीना हो गया तो उन्होंने फिरता शुरू किया। कोई नेरे दे भी कबूतर लाए सन? हाँ जी नेरे बहिंदे रहने कबूतर जो कबूतर अज शामी बैठे ने काफ़ी इन्हों फड़क ने जो एक पक्की फड़क तो बैठे अच्छे 7:20 तो एक 7:19 तो एक 7:15 एक 6:30 इस तरह काफ़ी। अच्छा खान जी माशाल्लाह जीते ने, आज इन शौक के बारे की कहना चाहोगे? देखें जी लाला जो यूसुफ साहब हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, शहबाज मित्तला साहब हैं, उस्ताद कमर शाह साहब हैं, ये बहुत ही मेहनत करते हैं, हम बहुत समझदारी से कबूतरों की परवाजें लेते हैं। इनका जो संभालने का तरीका है वो शायद ही किसी के पास अच्छा हो, जिस तरह ये कबूतर आए को संभालते हैं अगले दिन फिर कबूतर उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके बैठता है। अच्छा ये सारा सिला जो है ये शबाज मित्तला साहब को लाला यूसुफ को और उस्ताद कमर शाह को जाता है, ये क्रेडिट सब कुछ भी जाता है उनकी बहुत अच्छी क्लच लाइन है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये तकरीबन बहुत ही तकरीबन 20 से ऊपर कबूतर जो लाइटों पे हर परवाज में बैठते हैं और आज भी उन्होंने चैंपियन परफॉर्मेंस दी है और इस वजह से लाला यूसुफ की 194 घंटे और 23 मिनट बने हैं 21 कबूतरों के जिनमें से 5 टूर्नामेंट थे, एक 7 कबूतरों का था उनमें भी इन्होंने पहला नंबर लिया है, 2 21 कबूतरों का प्यारा था उनमें भी इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, एक टूर्नामेंट था 11 कबूतरों का उनमें से पहली पोजीशन, एक और था 11 कबूतरों का टूर्नामेंट उसमें से दूसरी पोजीशन, और इनका जो लास्ट कबूतर है उस्ताद कमर शाह का वो बैठा 7:20 पर। दूसरे नंबर बाकी सारे पहले नंबर बेस्ट एवरेज का नाम।
सही सही माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई तुसी दिखाई है। अच्छा हुण कबूतरां दा जरा शौक करवाइए कि किहड़े कबूतर असीं भी वेखीए कि किहड़े कबूतर ने जिन्हां ने अज गर्मी नहीं वेखी ते बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। छांटी कर रहे ना विच कर रहे ना दूसरे जिहड़ा आया था उन्हां नूं कड्ढे जिन्हां ने मोहर लगी बाहर है अंदरों बाहर कढ दें ये जी दोस्तों अभी हम आपको शौक करवाने लगे आज के चैंपियन कबूतरों का। ਗਰਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪੰਪ ਚਲਾ जी दोस्तों अपनी राय का इजहार जो वो जरूर करते चले एक झोले वाला भी अज कबूतर उड़ाया सतवीं दे झोले वाला कबूतर बैठा माशाल्लाह क्या ही बात है जी दोस्तों कबूतर दे आज आपको दिखाएंगे झोले में कबूतर है और बैठा है जी तकरीबन 7:20 पे आजकल मेरा विनर कबूतर भी है सब तो चलो थोड़ा अंदर आ जाइए हूँ मक साहब अंदर आओ ये तुसी जरा शौक करवाओ आगे देखना भला मैं बीचना मैं कर दूंगा जी दोस्तों माशाल्लाह देखें ये सेंटर वाला पहले वाला सब तो एंड वाला जो ये माशाल्लाह ये कबूतर है जनाब लकवे वाला कबूतर है और माशाल्लाह 7:20 पे बैठा है पुराना लकवा इसको ये पर पे आप देख सकते हैं इसको स्टैंप लगी हुई है और तकरीबन 5 या 6 कपों में बहादुर आया है ये क्योंकि बाकी दूसरे कपों में इमरान भट्टू साहब हैं उनका भी बहादुर आया है जी दोस्तों हवा चल रही है जिसकी वजह से बहुत तेज समझ ले आंधी चल रही है तो जिसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी शो करवा रहा हूँ मैं माशाल्लाह ये कबूतर हैं जी जिन्होंने आज तारीख रकम की है लाला यूसुफ गोदाम वालों की छत पे जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों चैंपियन नाम जो है वो बहुत आसान कहना है मगर चैंपियन बनते बनते तेल निकल जाता है बड़े बड़े बड़ों बड़ों का पंजाबी का शेर नहीं वो कहते पंजाबी का शेर है कहते वो की अच्छा अच्छा ये खेल नहीं है बच्चों का हाँ जी दोस्तों पंजाबी का एक शेर है मुझे वो याद आ गया वो था ये तो ये खेल नहीं है बच्चों का यहाँ तेल निकल जाता है अच्छा बच्चों का तो गर्मी भी दोस्तों आज काफी थी तीसरा दिन तक गर्मी ज्यादा होने का 42-43 था तकरीबन थल्ले नहीं 206 जी जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और उनसे गुजारिश है कि ये जो वीडियो है वो शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त जो है बरूने मुल्क मकीम बैठे हुए अपने कमरों में इस टाइम वो भी देख सकें ये वीडियो हमारी और कहाँ है वो शेयर जो हमारी वीडियो शेयर करते हैं वो शेयर आ जाए सामने और वीडियो शेयर करें हमारी ले जी बार आया आपको माशाल्लाह चैंपियन कबूतरों का शौक करवाते हैं जी ये माशाल्लाह जी कबूतर देखे लाला जी के लाजवाब कबूतर हैं इन्होंने आज तारीख रकम की है लाला जी की छत पे लाला यूसुफ गोदामा वाले इक्कीस कबूतरों का प्यारा था 2 कप थे जनाब और 11 कबूतरों के कप थे और 7 कबूतरों का कप था जो काफ़ी ज़्यादा कप उड़े हुए थे तो लाला यूसुफ जो हैं 6 या 7 कपों में विन आए हैं और ननकाने की छतें भी थी सारी शेखपुरा की चैंपियन छतें थी ननकाने की चैंपियन छतें थी
जनाब उन सब में से लाला साहब आज विन आए हैं जी। इतनी गर्मी में बैठने के बाद भी माशाल्लाह कबूतरों की फिटनेस आप देख सकते हैं, कबूतर फिर उड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे इनको कल फिर उड़ा सकते हैं आप। माशाल्लाह फिट कबूतर हैं, बिल्कुल फ्रेश कबूतर हैं। ये छत पे मेहनत वाले मेहनत करने वालों को क्रेडिट जाता है जी, माशाल्लाह कबूतरों की फिटनेस का आप देख सकते हैं। ये कबूतर हैं जी, ये छत से काफ़ी दोस्त मिलके शौक करते हैं जी। ये छत कमर शाह की सरप्रस्ती में उड़ाई जाती है जनाब, शहबाज मेहतरा, लाला यूसुफ गोदामा वाला और दीगर हजरात जो काफ़ी खासी मेहनत करते हैं इधर। ये नारे सारे दोस्तों दिखा सकता हूं आपको मैं, देख लें बिल्कुल फिटनेस में कबूतर, बिल्कुल फ्रेश। और ये लखे वाला कबूतर जो है इनका जनाब बैठा है बहादुर का नाम पकड़ के, इसकी पहली फड़के भी माशाल्लाह काफी अच्छी हैं, इसको पुराना लकवा है कबूतर को। इसको वाकई में बहादुर कहा जाता है क्योंकि लकवे में होते हुए भी माशाल्लाह गर्मी में, आज टेम्परेचर भी काफ़ी था क्योंकि जो 11 से लेके 12 बजे तक कबूतर बैठे हैं ना, बहुत ज़्यादा कबूतर जो इस गिनती में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा छतों के बैठे हैं। अजी दोस्तों मेरी वीडियो शेयर करें और शुक्रिया उन दोस्तों का जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपको मैं मादियाँ दिखाता हूँ, आप माशाल्लाह जी ये देखें, ये भी 9/9 है, फिटनेस इनकी देखें। ये देखें दोस्तों, कुछ दोस्त पसंद करते हैं कलर, अब कलर देखा जाए तो इसका कलर देख के आप कहेंगे जी, अगर मैं कहता हूँ ये दड़वी में पड़ी हो या कबूतरी कोई 200 की ना ले। ये देखें और इसने आज माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी है, 6:30 बजे बैठी है टेम्परेचर में, क्योंकि कुछ दोस्त देखते हैं जनाब खूबसूरती हो, अडार चाहे हो ना हो, मगर ये देखें इसने आज साबित कर दिया कि बदरंगे कबूतर खूबसूरत कबूतरों से भी ज़्यादा उड़ते हैं, इनको भी अहमियत देनी चाहिए। ये 4 बजने से कुछ टाइम पहले बैठी हैं ये दोनों लाखी हैं, ये बैठी है जी 5 बजे जी, ये दो बैठी हैं जी 4 बजे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है लाला जी की आज, और माशाल्लाह कबूतर आप देख लें कि उड़ार देने के बावजूद बिल्कुल फिट हैं, अगले दिन उड़ने के लिए तैयार है। जी आज इस छत के जो दोस्त अहबाब है मेहनत करने वाले, वो बाकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जी ये हमारे साथ दोस्त मौजूद है आगा मुजाहद साहब, जो छत पे मेहनत करते हैं, इस छत पे रहनुमाई कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जी आगा मुजाहद साहब क्या हाल चाल है जनाब जी, आज जो परफॉर्मेंस हुई है आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का, बड़ा बड़ा अल्लाह यूसुफ साहब अल्लाह ने इज्जत दी है, तो बड़े कोशिश करना चाहूँगा, कैफियन आया
कबूतर बड़े अच्छे साढ़े उड़े। अच्छा जी, ये जड़ी मेहनत सरफरस्त तुसी आप कर दे रहे हो इत्थे? हाँ जी, मेहनत तुसी आप कर रहे हैं जी। शबाज मेहतरा साहब है, ये चौधरी सखी पार्टी से हैं, माशाल्लाह इनके भी उस्ताद का नाम है काफ़ी, लाला एहसान जी। और ये अपनी भी अपने गांव से माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, आप लाला की छत पे शो कर रहे हैं। हाँ जी। और ये मजाहद भाई हैं जो इधर मेहनत करते हैं, और माशाल्लाह इनकी मेहनत का सिला ही आज अल्लाह ताला ने नवाजा है जी। जी माशाल्लाह दोस्तों, ये था आज का हमारा शेखुपुरा का शौक माशाल्लाह। एक आज एक मरतबा फिर शेखुपुरा ने रकम तारीख कर दी है आज। मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले वक्तों में ये आज का दिन जो है वो उसको हम बुला सकेंगे। माशाल्लाह जिस तरह से आज कबूतर लोगों के उड़े हैं, आज सिर्फ हैंडलर हुई है मलिक अब्दुल बट्टू साहब की, हार जीत एक मुकद्दर का हिस्सा है, गेम का हिस्सा है, तो लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस ये जो है ना ये हार होनी चाहिए जी, बिल्कुल, बाकी मुकद्दरों की बात है। लेकिन आज माशाल्लाह जिस तरह आज मैंने देखा है ना, जिस तरह आज हमने कबूतर परवरी देखी है माशाल्लाह, 11 कबूतरों का टूर्नामेंट था, 6 से 7 घरों ने आज सेंचुरियाँ भी बनाई हैं माशाल्लाह, 19 में से 6 से 7 घरों ने सेंचुरियाँ बनाई हैं माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यही दोस्तों बात है, आज माशाल्लाह आसफ लाना साहब की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, मैं सफदर साहब में लालू खुमन से मेरा ख्याल दूसरे नंबर पर हैं, काफ़ी कपों में, यानी कि 7 कबूतरों के प्यारे में भी दूसरे नंबर पर हैं, 11 कबूतरों के भी पे हैं, और जो 7 कबूतरों का था 21 कबूतरों का उसमें भी दूसरे नंबर पर हैं। और दोस्तों मैं बताता चलूँगी, उसके बाद आ जाए जी अमजद भट्टू साहब, माशाल्लाह गेम में एक मरतबा फिर उन्होंने इन किया है माशाल्लाह, मैं देखता हूँ कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, नया कबूतर रखे उन्होंने और आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छे घंटे बनाए नो डाउट, लेकिन वो ये बात है कि नंबरों में नहीं आए, लेकिन मेरा ख्याल 172-175 घंटे थे आज के उनके। उसके बाद आ जाए जी छत यारह नाल बहारा, माशाल्लाह आज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, मैर सफदर दूसरी पोजीशन पे हैं, और यारह खान आलम साहब, उस्ताद सनी जैन साहब चौहान वाले, अमेर विरक साहब और उस्ताद एतजाज खान साहब, दीगर दोस्त सफदर जट साहब हैं, काफ़ी दोस्त उसमें शामिल हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, 187 घंटे और तकरीबन 15 मिनट बनाए हैं उन्होंने, 7 मिनट का फर्क था मैर सफदर से और उनका। उसके बाद ये अमजद भट्टू साहब हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है माशाल्लाह, शाहन मान साहब हैं ननकाना से, उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है, और इधर आज मालक गुरु साहब हैं, इनके जितने भी आज दोस्तों प्लेयर थे ना, आज 19 छते थी, मैं ये समझता हूँ कि ये अपने अपने इलाका की वो चैम्पियन छते थी जिनका वाकई जोड़ को नहीं, इनकी जिसे बोलते हैं ना टॉप स्टार छते, ये वो आज टूर्नामेंट में शामिल हुई हैं पंजाब में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही छते हैं जो पंजाब में भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। हाँ ये अगर देखा है आसफ लाना साहब हैं छत 11 नाल बहारा हैं, जिस छत पे हम मौजूद हैं, इस छत पे भी अदनान कियानी साहब है, मालक गुरु साहब है, हाल ही देखा जाए तो पंजाब चैंपियन भी है माशाल्लाह, 3 रोज़ा बैसाख में चैंपियन भी हुआ है, बहुत यानी कि आज का जो जोड़ था ना मुकाबला काफ़ी कांटेदार था, और बादशाह जी मैं मलिक अदीम और मलिक शहजाद साहब और उस्मान साहब हमारे साथ नहीं है, तो अपनी मीडिया टीम की तरफ से मैं जी तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं, उन दोस्तों को भी जिनके कबूतर आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, चाहे वो नंबरों में नहीं आए, और माशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह दोस्तों आने वाला जो डजा आ रहा है 28 मई का, जो मेरा ख्याल है मैं भी टूर्नामेंट उड़ा रहा हूं, मेरे साथ शबाज मेहतला साहब हैं, मलक शहजाद साहब हैं, कमर शाह साहब हैं, लाला यूसुफ गोदाम वाले, माशाल्लाह बहुत अच्छे, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे उस्तादों की सरपरस्ती मिली है, और दोस्तों बताता चलूँ कि 28 मई को मैं टूर्नामेंट अपना वन डे उड़ा रहा हूँ, एंट्री फीस 5,000 है, और नाम भी मैंने दोस्तों रखा है उसमें शेखुपुरा ननकाना, और उसके बाद आ जाए जी यही मेरा दूसरा बड़ा, ये भी एक दूसरा टूर्नामेंट है जिसमें जिसकी एंट्री है जी 20,000, उसकी जिस सरपरस्ती करें जी कमर शाह, वही सरपरस्ती है, वही सारी टीम है, लेकिन ये टूर्नामेंट है जी 4 फिरतों का, जिसमें ननकाना साहब है, मानना वाला, शेखुपुरा, चबराम, मरीद के और जितने भी यहाँ पे इलाके आ जाते हैं, ज़िला ननकाना और शेखुपुरा, शाह जी टूर्नामेंट है, और इसमें 20,000 एंट्री है, एक टूर्नामेंट दोस्तों हम उड़ा रहे हैं 10,000 एंट्री के साथ, ये भी 4 फिरतों में मुश्तमिल होगा, लेकिन ये सिटी शेखुपुरा पर होगा,
कहा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम ननकाना की छतें हैं या को हैवी छतें हैं, हम चाहते हैं शेखुपुरा में उठना चाहेंगे। तो नाम क्या दिया उसमें? शेखुपुरा। हाँ जी, वो उसमें शेखुपुरा आउट दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी नहीं, वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक रहमत करे। शबाज भाई इस मरतबा तो नहीं, ना ही बनता है, अगली मरतबा इंशाल्लाह जब कपड़ेगा शाह साहब के साथ, शाह साहब के सरपरस्ती में आप भाइयों के तामन से इंशाल्लाह को टाइटल भी देंगे हम उनको, क्योंकि चैंपियन तो हर आदमी बन जाता है, ये गली का आदमी जीता। आज माशाल्लाह लाला यूसुफ साहब ने चैंपियन परफॉर्मेंस दिखाई है, तो सुबह मेरे पास जब पोस्टर लगेंगी ना तो मेरा ख्याल 20 आदमियों ने चैंपियन परफॉर्मेंस दिखाई होगी, 20 आदमियों ने जी चैंपियन। एक गली का टूर्नामेंट उड़ा है उसमें 4 छते हैं, वो भी चैंपियन है। और ये जो टूर्नामेंट हम उड़ा रहे हैं इसमें माशाल्लाह दूर दराज की दो दो ज़िलों की छतें हैं, लेकिन ये भी चैंपियन, फ़र्क कोई नहीं। इसलिए दोस्तों मैं अपने आइडिया के मुताबिक, दोस्तों भाइयों के आइडिया के मुताबिक मैं ये चाहता हूँ कि जो जिसका रुतबा हो उसको वो देना चाहिए, यानी कि इंशाल्लाह अगर टूर्नामेंट उड़ाएंगे, शाह साहब ने अगर इजाज़त दी तो इंशाल्लाह, तो इन बड़ों की इजाज़त से, इनके बड़ों की इजाज़त के बगैर नहीं मैं उड़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि उसमें रुस्तम शेखुपुरा ननकाना का जो टाइटल है ना, जिस तरह मियाँ हसनपुरी साहब हैं रुस्तम फैसलाबाद लिखवाते हैं, उन्होंने माशाल्लाह रुस्तम का टाइटल जीता हुआ है, तो मेरी भी कोशिश यही है कि हम भी इंशाल्लाह अपने टूर्नामेंट में जो बड़ी छतें होंगी, दीगर अजला की छतें होंगी, तब हम ये चैंपियन के बजाय रुस्तम का नाम लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसमें आपके भाइयों का तामन की, आप भाइयों का साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो दोस्त छत पे जो छत लिखवाना चाहें, और दोस्तों जो छत लिखवाना चाहें, नंबर मेरा सारे दोस्तों के पास है, लेकिन हाँ जी वो भी सबके पास है। कमर शाह साहब का नंबर आपके पास है, उनसे लिखवा दें या मुझसे लिखवा दें, बात एक ही है, बड़े भाई हैं और मैं छोटा हूँ, तो एक ही टूर्नामेंट, एक ही हमारी टीम है, और इंशाल्लाह टूर्नामेंट भी इनका हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करें कि ताकि हमारा जो शौक है वो ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी टाइम हो चुका है जी। जी बिल्कुल, दिखाए ना जरा भाई को, ये देखिए जी, ये इतनी तेज आधी चल रही है, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ ये, क्योंकि हम आप दोस्तों के बगैर कुछ भी नहीं है, आप दोस्तों के लिए ही हम गली गली कूचा कूचा जा के शौक प्रोवाइड करते हैं कि आप दोस्तों को अच्छा शौक दिखाने को मिले। फिर मैं उसका अनाउंस कर दूँ जो जी, मेरे प्यारे भाई ज़रा बादल चाहता हूँ जल्दी से नोट फरमा लें, आज के जो 21 कबूतरों का प्यारा है उसकी मैं आपको डिटेल बताने लगा हूँ, जो आज के चैंपियन हुए हैं। और ये जी पहला इनाम जीता है जी लाला यूसुफ गांव वाले ने, लाला यूसुफ गांव वाले जी छत ने आज आपको शौक करवाया, ये छत ने जी आज चैंपियन का टाइटल किया है प्यारा, और 11 कबूतरों में भी क्वालिफिकेशन आई है कई टूर्नामेंटों में, बाद आ जाए जी। दूसरा इनाम है जी मैर सफदर अली उस्ताद, मैर सफदर अली साहब 127 घंटे और 23 मिनट है। उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे उस्ताद एतजाज खान साहब हैं, और उस्ताद इरफान आलम साहब, अमेर विरक साहब, उस्ताद सनी जट जापान वाले, और इनकी छत है जी 11 नाल बहारा, उस छत ने जी तीसरे नंबर पर इनाम हासिल किया है। और चौथा जो इनाम है अमर साहब हैं जी, उस्ताद काश भट्ट साहब हैं जड़ा वाले, उनके शागिर्द हैं जी मलिक अमजद भट्टू साहब, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हालिया देखा जाए तो चेत्र में भी चैंपियन हुए हैं ननकाना के, और 200 इनके जी 184 घंटे 48 मिनट बने हैं, चौथे नंबर पे हैं मलिक अमजद भट्टू। नंबर ये जी अमानुल्लाह साहब हैं पिछली से, इनके जी घंटे बने 184 घंटे 7 मिनट बने। विनर कबूतर की 200 तरफ आ जाएँ, हालांकि कबूतर इनका 7:20 मिनट पर बैठा, एक दो कबूतर ऐसे जो इनके बाद भी बैठे, कबूतर आया वो 7:41 मिनट पे आया, अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये जी उस्ताद इमरान भट्टू साहब है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी दोस्तों इन्होंने अपने जो इन किया गेम में बहुत ही अच्छे तरीके से आगाज़ किया है। और उसके बाद आ जाए जी पहले से पहला जो दिया गया था नाम, ये जी इसके लिए 10 कबूतर बिठाना जो लाजमी था, ये जी कबूतर बैठा जी 1:24 मिनट पर पहला कबूतर बैठा है। मैं जी एक मरतबा फिर कमर शाह साहब, लाला यूसुफ साहब
मिदला साहब और मलक अदीम मलक शहजाद और तमाम दोस्तों इस टीम की तरफ से भी जीतने वाले और अच्छी पोजीशन दिखाने वाले तमाम मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आएगा इसी तरह का जो हमें रिजल्ट है वो मिलता रहेगा। 28 मई का जो हमारे मुकाबले शुरू हो रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि पंजाब में इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्म दिखाई देगी। तो इंशाल्लाह दोस्तों और दोस्तों हम 28 मई को बिल्कुल लाइव भी चलेंगे। रमज़ान की वजह से हम लाइव नहीं आ सके, उस ये टूर्नामेंट नहीं दिखा सके हम लाइव। इंशाल्लाह मलक दीम और मलक शहजाद और आसमान नज़ीर जनाब हमारी टीम जो है आपको तकरीबन शेखपुरा में जितने भी छतों का टूर्नामेंट हो गए जनाब हमको हम आपको लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों एक टूर्नामेंट रह गया, सॉरी मैं माजरा चाहता हूँ कि जो 11 कबूतरों का टूर्नामेंट था जिसमें ये छतनी थी, ये छतनी थी, बाकी चार पाँच टूर्नामेंटों में 11 लेकिन एक टूर्नामेंट में नहीं थी। इनका नाम है पहले नंबर पे जी मलक अमजद साहब, बहुत अच्छे कोशिश करेंगे उनके जी 119 घंटे बने 10 कबूतर 11 कबूतरों के साथ। उसके बाद आ जाए मेहर उस्ताद मेहर सफदर साहब लालू फूमन वाले, माशाल्लाह बहुत ही पहले गाड़ियाँ भी जीत चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उनके जी 106 घंटे बने 11 कबूतरों के साथ। और उस्ताद एतराज़ खान साहब 611 बहारा, उस्ताद सनी जट साहब, उस्ताद इरफान आलम साहब इनके जी 104 घंटे बने हैं, 104 घंटे 49 मिनट बने। और उस्ताद अमरान बट्टू साहब माशाल्लाह इनके जी 104 घंटे 27 मिनट बने हैं 11 कबूतरों के साथ। पहले से पहला जी इन्होंने जीता है जी, पहले से पहला सफदर लालू फूमन वाले हैं उनका जी 2:27 जी। दोस्तों ये था आज का रिजल्ट और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला माशाल्लाह। आज आपको भी मज़ा आया होगा रमज़ान का मेला। दोस्तों दुआ हमारे लिए ज़रूर करें, हमारी टीम के लिए दुआ करें कि हम इसी तरह आपको शो करवाया करें। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट के जरिए करते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी दोस्तों का रिक्वेस्ट है, मेरी बरादराना रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को शेयर किया करें क्योंकि आपके तावन से हमारा काम है छतों में जाकर अच्छी छतों का शौक। लेकिन मैं भी चाहता हूँ, हम भी चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो उन दोस्तों तक भी पहुँचे जो हमारे साथ अटैच नहीं है, जो हमारे फॉलोअर नहीं है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को शेयर किया करें। अल्लाह ने के बाद